पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने 5000 साल पहले उसी स्थान पर एक यज्ञ किया था जहां अब पुष्कर मंदिर है। हिंदू धर्म पुष्कर की यात्रा को परम तीर्थ मानता है जो एक भक्त को मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए। एक पवित्र स्थान होने के नाते इस शहर में न मांस न अंडे और न ही शराब की अनुमति है, बस सभी जीवन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ब्रह्मा को सभी सृष्टि का स्रोत माना जाता है, जिस बीज से सभी स्थान समय और कारण उत्पन्न होते हैं। कलाकार लेखक और अन्य रचनात्मक व्यक्ति अपनी रचनात्मकता की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रह्मा और सरस्वती की प्रेरणा को जगाने के लिए पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। ये समझने के लिए कि ब्रह्मा को देवता के रूप में व्यापक रूप में क्यों नहीं पूजा जाता है, हमें विश्व नाटक के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को समझना पड़ेगा। सभी चक्रीय प्रक्रियाओं की तरह समय भी चक्रीय है और चक्रीय होने के कारण ये खुद को दोहराता रहता है। प्रत्येक चक्र या कल्प के अंत में परमात्मा सृष्टि पर वापस देवत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। ऐसा करने के लिए वो एक व्यक्ति का चयन करता है जिसे वो अपना माध्यम बनाता है और उस माध्यम से दिव्य ज्ञान वितरित करता है। इस चुने हुए व्यक्ति को अनेक शास्त्रों में ब्रह्मा, मनु, आदम, आदिदेव, आदि योगी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। चूंकि एक मनुष्य के रूप में ब्रह्मा ने पूर्णता प्राप्त करने के लिए कल्प के अंत में कठोर आत्मशुद्धि की, वो अगले कालचक्र के शुरुआत के पहले नारायण बन गए। कल्प के अंत में वही आत्मा ब्रह्मा बनती है और वही कल्प के आरंभ में नारायण बनती है, परंतु उनके ब्रह्मा रूप की पूजा नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा एक आध्यात्मिक साधक है जिन्होंने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए ज्यादा मंदिर नहीं बनाए, क्योंकि मंदिर बनाया जाता है देवताओं के लिए न कि साधकों के लिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब वही साधक ब्रह्मा पूर्णता को प्राप्त कर नारायण बन जाता है तो उसकी हर जगह विष्णु के रूप में पूजा होती है। परमात्मा हमें ये समझाते हैं कि हम पूजा के योग्य तभी बनते हैं जब हम सतयुग के देवताओं की तरह पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं।